हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हम हो चुके हैं रेडी और अभी कहीं ट्रिप पे जाने वाले हैं। आज मतलब ट्रिप नहीं है, एक्चुअली हम जा रहे हैं वृंदावन, क्योंकि मैं बचपन में गया था जब मैं बहुत छोटा था, शायद तीन तीन चार साल का था शायद, तब गया होगा, मुझे याद भी नहीं है। अभी मैं तो रेडी हो चुका हूँ और ये अभी तक रेडी नहीं हुआ। क्या कर रहा है तू? हो गया मैंने बस, यही पहन के जाने वाला है? इसका पता भी नहीं चलता रेडी हो गया कि नहीं। और ये देखो मम्मी रेडी होके बैठी है। हाय मम्मा। मम्मी इसलिए जल्दी रेडी हो जो क्या आपको शायद मैंने ब्लॉग में बताया भी था, मम्मी ज़्यादा धार्मिक है, भगवान के नाम पे जल्दी से रेडी हो जाती है। मम्मी को अभी बोलो ना कि भाई केदारनाथ जाना है, मम्मी सबसे पहले रेडी कर दिया रूम में। चलो अपना लगेज उठाते हैं और चलते हैं। तो गाइज हम निकल चुके हैं अभी, पापा ने बताया कि पहले वृंदावन नहीं, पहले गोकुल जा रहे हैं। और मैं गोकुल कभी गया नहीं हूँ, हाँ बट वो ना स्टोरीज में देखा है, वो कृष्ण जी का जन्म हुआ था वहाँ पे ऐसा, मेरे को पूरा वो नहीं है, जजमत करना। हाँ मैंने देखी है पूरी वो कृष्णा मतलब कहानी, उनकी पूरी स्टोरी देखी है। तो गाइज हम लोग रुके थे अभी रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए, तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लिया और अभी गोकुल यहाँ से रह रहा है 10 से 15 किलोमीटर। तो गाइज अभी फिलहाल आ चुके हैं गोकुल में और पूरा देखो गाँव वाला माहौल है। और अभी अपन और अभी हम जो जगह पे हैं, इस जगह का नाम है 84 खंबा, मतलब 84 खंबा टाइप समथिंग, जो पूरा गांव वाला टच है। ऐसा कहते थे कि मतलब पुराना जब वो वक्त था जब श्री कृष्ण रहते थे तो यहाँ पे रहा करते थे, ऐसा कुछ है स्टोरी में, आप देख लेना गूगल पे मिल जाएगा आपको 84 खंबा करके। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं 84 खंबा से, वहाँ माथा वगैरह टेका, बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे पूरा यही था, उन्होंने एक वो पेड़ दिखाया यहाँ पे, शायद वो कृष्ण भगवान वहाँ पे खेला करते थे उस जगह पे, ऐसा कुछ था वहाँ का, वो पंडित जी बता रहे थे। भले इतना ऐतिहासिक है लेकिन यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं करे गए हैं, वैसे के वैसे ही हैं, जैसे मतलब उस टाइम पे गांव हुआ करता था ये, उसी टाइप से उन्होंने अभी तक वही स्ट्रक्चर मेंटेन किया है। मतलब इधर के लोगों का मानना ऐसा है कि इसको वैसा ही रखना है ताकि वो टच रहे पुराना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। देखो पीछे श्री कृष्ण चालू है, वो देख रहे हैं टीवी में भी। ये ऐसे ओके, तो ये हम यहाँ गाय माता को खिलाएंगे, यहाँ पे वहाँ पे देना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं इसमें भी ऐसे, अच्छा अच्छा ऐसे डाल दूँ इसमें, तू डाल दे रोनी, मैं इसमें डाल देता हूँ। देखो ये कितने प्यारे हैं छोटे छोटे, अरे यार मेरे इसमें खत्म हो गया, अरे एकदम पापा जी एक वो एक और दे दो इनको, इसको दे दो एक सेकेंड, मैं इसका हाथ से ले लो, इसका पेट भर चुका शायद इतनी खा रही है। रोनी मजा आया? बहुत ज़्यादा मजा आया। अभी नेक्स्ट मेरे को पता चल गया, हम जा रहे हैं रमन रेती, वहाँ पे ना एक हिरन का मीन्स वो पार्क है, वहाँ पे हिरन को हाथ से वो खिलाते हैं कुछ खाना सा, तो मैं एक्साइटेड हूँ कि मैंने वो देखा नहीं है वो किस टाइप का है, तो वहाँ जाके देखेंगे। गैस देखो यहाँ पे कुछ हट टाइप बने हुए हैं कितने प्यारे, और ये कृष्णा भगवान के। और गैस ये है रमन रेती, यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा यहाँ पे ना रेती में खेलते हुए, ऐसा वो ना कृष्ण भगवान का ऐसा बचपन था ना कि मतलब वो रेती में खेला करते थे मिट्टी वगैरह में, तो वैसा कुछ है, देखो सभी लोग ऐसा कुछ है यहाँ पे। पापा मम्मी कहाँ चले गए? और यहाँ पे देखो रेती का किसी ने कितना प्यारा सा बनाया हुआ, ये देखो ये चित्रकारी करी हुई है, पता नहीं क्या बनाया बट डांस ही लग रहा है, ये कुछ मंदिर जैसा बनाया हुआ है। रोनी जैसा तूने बर्फ में बनाया था ना गुड्डा वैसा, तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा ये, वाह कितना सही बनाया ना, तू भी बनाना, चलो हम भी कुछ बनाते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कुछ बनाने का, अगर मुझसे बनता है तो। क्या बनाओ रुक, समझ में नहीं आ रहा, एक मंदिर टाइप बनाता हूँ रुक। यस ये क्या है, ये क्या है ये? अरे यार बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन इससे बेटर नहीं बन पा रहा, और ये जिसने बनाया ना उसको अवार्ड जाएगा, क्योंकि तो भाई मैंने इतना टाइम लगाया फिर भी मेरे से ये बन पाया। एंड तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं हिरन वाले पार्क में जो मैंने आपको बताया था, ये देखो हिरन पार्क, और ये रहे अपने हिरन, ए मेरे दोस्त, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे अंदर में, अरे जूम क्यों नहीं हो रहा,
हाँ देखो कितने सारे हिरन हैं, और ये बत्तख से भी है साथ में, डक बत्तख जो भी है। और ना एक चीज़ मेरे को दिखती है, देखो ये इमो, वो ऑस्ट्रिच का भाई होता है ना बड़ा सा, इमो ऐसा मैंने वो हॉलीवुड मूवीज़ में देखा है ना, इसके ऊपर वो बंदा चढ़ के जाता है, वो मूवीज़ में दिखाते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। इमो ऐसे थोड़ा सा डेंजर भी होता है, मतलब गुस्से वाला होता है थोड़ा सा वर्ड। अरे जूम नहीं हो रहा है ढंग से, क्या हो गया? अच्छा बारिश पड़ रही है ना इसी वजह से। ये देखो ऐसा इमो। और अभी पहले तो हिरन को कुछ खाने के लिए देंगे, ठीक है रोनी? कहाँ से मिल रहा है खाने के लिए? अच्छा वहाँ से एक शॉप है, वहाँ से खाने के लिए हिरन को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। आ जा रोनी। देखो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, तो भाई यहाँ से लेना है अपने को। रोनी कैश भैया, भैया टू चाहिए टू। रोनी एक तू ले ले, ठीक है दो लिया। ओके चल आ जा रोनी। और अभी हिरन को देंगे, उस तरफ आते देखो इस तरफ बहुत सारे हिरन हैं, को देना कैसे है? हाथ से देते हैं क्या? ऐसे देते हैं ये देखो, ऐसा कुछ है। रुको मैं हाथ से देता हूँ शायद। ओह कितना हार्ड है। रानी 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 इधर आना, किधर गया यार तू? ये ले देख हाथ से खा रहा है ये, वो काटे ना गई। इतने प्यारे हैं यार ये सारे। रुको यार ऐसे देता हूँ, डर लग रहा है मेरे को तो। एक ने मेरे हाथ पे भी काटा। ले ले हाथ से दे, कुछ नहीं होता, दांत से काटते ये। ऐसे रख दे, ऐसे रख दे। इनकी ना लाइन लगी ऐसे लंगर में लगी होती है ना, ये देखो सारे खिला रहे। रोनी रोनी ना डर गया, बोलता भाई हाथ से नहीं खिलाऊंगा। ये कटोरी रखते है यहाँ पे। एक काम करना, एक और ले ले, एक और ले, उस तरफ जाते हैं। पापा से कैश ले, पापा कैश देना थोड़ा सा, एक और चाहिए अपने को। वो तो हम लोगों ने दो कटोरियां और ले लिया। रोनी बोलता है अपने हिरन के बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। उस तरफ चलते हैं रोनी, इधर आ जा, क्योंकि उधर कोई नहीं है, सारे उस तरफ के हिरन को खिला रहे हैं, इधर कोई नहीं खिला रहा, वो बेचारे भूखे रह रहे हैं। इनको अपन सोचेंगे इनके बारे में। ये बेचारा अकेला, आ जाओ भाई। ये ले ये ले ले यार, इसका पेट भरा है शायद, इसलिए नहीं आ रहा। वो आया देखे तो डेंजर लग रहा है मेरे को, इसके सींग कितने डेंजर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो हाथ से खाओ आप। इधर इनको बेचारा, ये सभी आगे देखो अभी बोला तो, इनको बेचारा कोई नहीं खिला रहा, तू भी खिला इनको। ले 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 ले, ले। उधर उनके पेट भर रहे हैं, वो ना नेपोटिज्म चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए अपने होते हुए। लो भाई सबको दो, लो लो। अच्छा हाँ ऐसे डालो, रोनी ने सही आइडिया निकाला, ऐसे दो। हाँ ऐसे सबको मिलेगा इनको। लो 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 आराम से खाओ। ओए कटोरी ले ले, वापस भी देनी है। चल रोनी बोल रहा है एक और देंगे। भाई यार पता नहीं क्यों मेरे को पता चला, लग रहा है इसको ना बिना सिंह वाले को नहीं मिला था, इसको देंगे। पकड़ पकड़ कटोरी पकड़, मैं हाथ से खिलाऊंगा इसको। ले 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 ले, हाथ से खाती यार। ले छोटा बच्चा है, इसके दांत भी नहीं है, बड़ा वाला आ गया, सारे आ जाते हैं, इसको खिला पहले। इनने सबने खाया, उसको बेचारे को मिला नहीं है, छोटे वाले को। अरे अरे देख उसको बीच में पीस दिया बेचारे को। अभी कह रहे हैं एक और पार्क है यहाँ पे, वो पता नहीं हिरन का है कि क्या है, उधर भी जाएंगे देखेंगे क्या सीन है वहाँ का भी। रोनी का कहना ये है कि इतने सारे लोग खाना खिला रहे हैं फिर भी भूखे क्यों हैं, तो भाई ये देखना पीछे कितनी भीड़ है, कितने सारे हैं ये, क्या पता किसको तूने पहले खिलाया। जिस बिना सिंह वाले को हम देख के गए थे ना, क्या पता कोई और, हमने किसी और को खिला दिया हो फिर से। चलो कोई नहीं यार, लेकिन बहुत सही है, मज़ा आ गया। मैंने फर्स्ट टाइम इतने हिरन एक साथ देखे हैं भाई, वो जू में देखे थे लेकिन दो तीन मिलते हैं, इतने नहीं मिलते हैं। ये देखो इमो भी यहाँ तक आ चुका है अभी। इमो इमो भी बच्चा है अभी, ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे ना, इमो की हाइट बहुत बड़ी होती है, अभी ये छोटा है, ये बच्चा है अभी ये, फिर भी देखो। और हाँ ये थोड़ा गुस्से वाला भी होता है। मम्मी मम्मी को यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मम्मी यही रहे क्या? यही रहना है ठीक है। एक आधा घर ले जाएंगे क्या? ऐसा कह रहा था भाई, यहाँ पे है तो सारे मेंटेन है, वो उधर ले जाके बेचारे की ज़िंदगी थोड़ी ख़राब करनी है, किसी भी प्राणी को वो जेल नहीं बनानी चाहिए, है क्या नहीं? देखो यहाँ पे तो इनको इतना खाना मिल रहा है रोज का। और गाइस एक चीज़ और देखने को मिली है, मोर। और मोर देखो यहाँ पे रखे हैं इन्होंने अंदर, मोर और खरगोश है। ये देखो ये खरगोश और ये मोर, ये मोर हमारे राष्ट्र पक्षी। मोर को अंदर इसलिए रखा है, मे बी उनके हिरन के साथ लड़ाई वड़ाई हो जाती है कि इनकी रिश्तेदार होंगे ना शायद, तो लड़ाई हो जाती है रिश्तेदारों में, इसलिए मोर को अलग रखा है। जैसे उन्हें तो मेरे से झगड़ा करते ना, वो भी तो करते होंगे आपस में।
चल कोई नहीं यार। अच्छा इस तरफ छोटे बच्चे रखे हैं जिनके सींग नहीं है, देखो इनके एक के भी सींग नहीं है जैसे तेरे नहीं है। सोनी